अरमान भाई जो पूरी दुनिया को समझता है ना, सबसे बड़ा तू बैंड तो किसी चीज को लेके तो एल्विश को कभी क्यों नहीं किया थोड़ी सीरियस वाली किसी चीज पे, तो मैं इसलिए नहीं कर सकता। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी कभी लक्ष्य चौधरी के दोस्तों की कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो लक्ष्य चौधरी उस टाइम अपने दोस्तों के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कहते हैं। जैसे कि हाल में एल्विश यादव की भी कई कंट्रोवर्सी हुई, साथ ही रजत दलाल वाली कंट्रोवर्सी भी हुई, तो उसमें लक्ष्य चौधरी कुछ भी नहीं बोले थे। तो ये चीज लफड़ा सेंट्रल पर थकेश ने लक्ष्य चौधरी से पूछी, तो आप भी देखिए लक्ष्य चौधरी क्या कहे। लक्ष्य चौधरी ऐसे तो बहुत इश्यूज में बात करता है, लेकिन जब दोस्त की बात आ जाती है तो वो इशू पे बात नहीं करता, बायस हो जाता है। दोस्त मुझे एग्जांपल दो यार पहले, उसी हिसाब से बताऊंगा। जैसे एल्विश हो या रजत हो या आपके जो जिन्होंने साथ में काम किया हो। हाँ भाई मैं हूँ बायस्ड, और दोस्ती का मतलब ही बायसनेस है। मैं तो इस बात इस फैक्टर को भी डिनाई नहीं करता। मैं इवन अगर मैं और तू इतने अच्छे दोस्त है तो शायद कल को तू 3-4-10 गलती करेगा ना, तो मैं शायद बोलू भी ना, उस चीज को एड्रेस भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि दोस्ती है ना यार। अगर मैं अभी कल को जाके तेरे खिलाफ ट्वीट कर दूं या किसी भी चीज में तेरी कमी निकाल दूं तो काहे की दोस्ती है, तो हिपोक्रेसी हुई भाई। फिर की मैं दोस्त भी बोल रहा हूं, मैं तेरे साथ आगे बैठ रहा हूं, विश्वासघात है। हिपोक्रेसी भी नहीं, विश्वासघात है एक तरीके से। कि दोस्ती में यार आप लोग कहते हैं कि दोस्ती में मरमिट जाते हैं लोग, और तुम यहां पे इग्नोर भी कर पा रहे उसकी गलती को। तो मैं मानता हूँ गलती की है तो गलती होगी भाई, लोग कह रहे हैं उस चीज को, लोग कवर कर रहे हैं, दूसरे यूट्यूबर टोक रहे हैं, तो गलती होगी, बट मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है। और इसमें लोग फिर बोल रहे हैं डर गया होगा ये वो, डरने वाली बात नहीं है। मैं 10 लोगों को बोल रहा हूँ, 11वें को भी बोल दूंगा, लेकिन मेरा ईमान नहीं अलाउ करता मेरे को ये सब बोलना। आई थिंक डरने वाली तो बात है ही नहीं, इतने साल से जब कर रहे हैं। हाँ तो डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो एल्विश का भी हो जाए या रजत का भी हो जाए, एल्विश का तो मुझे ऐसा कुछ लगता भी नहीं कि उसने कुछ ऐसा किया है। लोग कई बार ऐसी वाली बातें बोल देते हैं कि भाई जब तुम रोस्ट करते हो किसी चीज को लेके तो एल्विश को कभी क्यों नहीं किया थोड़ी सीरियस वाली किसी चीज पे। तो मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे लगता है अगर मैं उसको दोस्त बोला है और उसने मुझे कई जगह सपोर्ट किया, मैंने उसको कई जगह सपोर्ट किया, तो फिर मेरा मन नहीं करता कि किसी चीज पे। मजाक में मैंने उसको बहुत बार रोस्ट कर रखा है, तो मजाक वाली। रजत को भी अभी जो रजत वाला सीन हुआ था, तो मैं इसीलिए उस चीज को इग्नोर कर दिया था कि अगर वो मुझे इतना मान रहा है और मैं उसके अच्छे टाइम में उसके साथ जा रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ, तो जब उसका खराब टाइम आया तो मैं भी टोकना शुरू कर दूँ तो उसको कितना हर्ट हो। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में एल्विश यादव के टीम मेंबर यानी कि लक्ष्य ने हाल ही मेहरवान मलिक को बहुत ही गंदा वाला रोस्ट कर दिया है, साथ ही उनकी फैमिली को भी रोस्ट किया है। रोस्ट वीडियो लक्ष्य ने शायद इसलिए निकाल लिया है क्योंकि मेहरवान मलिक ने बिग बॉस घर में एल्विश यादव और लव कटारिया से रिलेटेड कई तरह की बातें करी थी, तो लक्ष्य ने उन्हें बहुत गंदा रोस्ट किया है। आप देखिए वो क्या कहे लक्ष्य अर्ची चैनल पर। इंतजार था मेरे को भी, इतना इंतजार था ना कि कब अरमान मेरे सामने और सारे सुअर के दो रेप्टे लगाऊं मैं खींच के, पर भाई वो तो पूरा हो नहीं पा रहा। पर कोई दिक्कत नहीं, आज कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस साले की पेंट उतारने में। तो भाई यहीं से शुरू करते हैं द अरमान मलिक रोस्ट। चलो भाई, अरमान मलिक के ना रिसेंटली ट्विंस हुए थे, पर भाई मेरे को ऐसा लगता है इनको ना चेक कराना चाहिए क्योंकि इसके ना 4 बच्चे हुए होंगे, क्योंकि कुत्ते के 2 बच्चे नहीं 4 बच्चे होते हैं। ओ सॉरी यार, ये तो कुत्ता भी नहीं है, कुत्ते तो वफादार होते हैं, ये सारा सुअर ही है। तो एक दिन है ना मैं ऐसे गंभीर सोच में था और मैं ये सोचा था कि अरमान के छोरे की शक्ल उसकी दोनों में से कौन सी मम्मी से मिलती है। फिर मैंने एक दिन ध्यान से देखा कि उस बच्चे की शक्ल उसकी पड़ोसी से मिलती है। अरमान की तू हिंदू है, पर ये जैद, तूबा, अयान ये भी हिंदू नाम है। अरमान भाई जो पूरी दुनिया को समझता है ना, सबसे बड़ा तू बैंड। और भाई अगर तू मुस्लिम है तो भाई तू खुले में चौड़े होके बोलना कि भाई मैं मुस्लिम हूँ। तो अरमान ने ना अपनी दोनों बीवियों पे तीसरी शादी का प्रैंक करा, जो कि टेक्निकली देखा जाए तो चौथी है। और अगर तुम ध्यान से इसकी वीडियो देखोगे ना तो इसकी आंखों में सच सच दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा ट्राई कर रहा है। ये सोच रहा होगा कि भाई अगर ये नहीं मानी तो प्रैंक बोल दूंगा, और मान गई तो बल्ले बल्ले। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो अरमान मलिक है वो बादशाह की तरह दिखता है, मतलब ट्रू, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज के अलावा, बादशाह जो है वो रैप करता है और ये बादशाह भाई सी माइनर्स पे रैप करते हैं और ये माइनर्स का। मेरे ख्याल से अरमान शोले के धर्मबाजी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। ये आदमी है ना मेरे को लगता है थोड़ा उल्टा ही है, मतलब पैदा भी उल्टा हुआ होगा। इसकी 2 बीवियां हैं, इसको एक्चुअल में तो दोनों को छुपाना चाहिए, और जो असली इसका रिलीजन है वो बताना चाहिए, उसको ये छुपा रहा। His chances of winning trophy was like his interest in his first wife. ये दोनों लूज कर चुका। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं अरमान मलिक और कृतिका मलिक के। तो जैसे कि आपको पता होगा कि बिग बॉस शो में जब अरमान मलिक और उनकी पत्नी थी तब उनकी एक इंटीमेट वीडियो वायरल हुई थी जो एडिटिंग करके बनाई गई थी और डॉक्टर्ड वीडियो थी। तो इस चीज को लेकर अरमान मलिक इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ ये शेयर किए, ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम जियो सिनेमा ऑन वायरल इंटीमेट वीडियो ऑफ अरमान मलिक एंड कृतिका, दे क्लैरिफाइड द वीडियो क्लिप इज डॉक्टर एंड दे विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोस रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सच डिफेमेटरी कंटेंट। ऑफिशियल स्टेटमेंट इज जियो सिनेमा एड्रेस टू स्ट्रिक्ट प्रोग्राम
प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस टू एंश्योर द क्वालिटी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एनी कंटेंट दैट स्ट्रीम ऑफ आवर प्लेटफॉर्म बिग बॉस ओटीटी व्हिच वाज स्ट्रीम ऑन जियो सिनेमा डिड नॉट हैव एनी सच कंटेंट द वीडियो क्लिप इज सर्कुलेशन इज डॉक्टर टू इंक्लूड ऑब्सिनिटी एंड इज फेक आवर टीम आर वर्किंग टूवर्ड्स आइडेंटिफाइंग द ओरिजिन्स ऑफ द क्लिप एंड विल इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सच डिफेमेटरी कंटेंट अगेंस्ट बिग बॉस ओटीटी एंड जियो सिनेमा सैड इज जियो सिनेमा स्पोक्स पर्सन एंड तो नेक्स्ट अपडेट में जासूस किंग ट्वीट कर ये है सुना है मार्केट में फर्स्ट कॉपी चल रहा है तो कमेंट्स में लोग कहने लगे फर्स्ट कॉपी तो दोगला है यानी कि लोग ज्यादातर अभिषेक मलान की बात करने लगे मिस्टर बीस्ट की कॉपी करता है क्या वो फर्स्ट कॉपी तो काफी दिनों से चल रहा है दोस्तों इस चीज को लेकर आपको क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।